नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे जोड़े, नेटवर्क में लोगों को कैसे जोड़े, ये सवाल बहुत लोगों का होता है। सर हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करने के बाद हम प्लान बताने जाते हैं, प्लान सुनाते हैं तो हमें ही उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्या कर रहे हैं हम, कैसे उसमें आदमी को जोड़ सकते हैं, कैसे बुलाए उस चीज में, ये सवाल बहुत लोगों का होता है। मैं आज इसी टिप्स के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे बुला सकते हैं, कैसे आपको मिलना है उससे, कैसे आपको उससे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आपको प्लान बताना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को हम बेच सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले सीखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से कैसे बात करना है, लोग से कैसे हम हंस कर बात करें, कैसे हम उसे प्लान बता सकते हैं जिसे हमारा बात। सबसे पहला चीज ये होता है कि हम एक फैमिली बनाने का काम कर रहे हैं, एक नेटवर्क बनाने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम एक फैमिली बनाकर आज फैमिली बनाकर काम करते हैं तब हमारा लाइफ सिक्योर रहता है। मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं तो आप सिक्योर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर तबीयत भी खराब होता है आपके नीचे काले लोग है। एक उदाहरण दूंगा, लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने कैसे होता है, 30 साल अपना जो एज निकल जाता है, 20-25 साल ऐसी एज निकल जाता है, उसके बाद 30-35 साल नौकरी करते हैं, 7 साल के बाद नौकरी रिटायर हो जाते हैं, 7 साल तक पैसा रहेगा उसके पास, उसके बाद पेंशन मिलेगा जो भी रहेगा वो रहेगा, उसकी नौकरी सिक्योर है नहीं है। साथ साथ अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग सफल हो जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, तो आपके नीचे वाला मेंबर हर चीज में आपका सम्मान मिलता रहेगा, साथ साथ लोगों आपको जानेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपको सीखना है लोगों से मिलने के लिए, बातें करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। दोस्तों हम अगर किसी भी दुकान में जाते हैं, कोई भी दुकान या मोबाइल शॉप में जाते हैं, मोबाइल जब हम खरीदने जाते हैं तो मोबाइल खरीदने के, सर मोबाइल दिखाओ ना, ये दिखाते हैं आपको, एक मोबाइल दिखाया, दो मोबाइल दिखाया, 10 मोबाइल दिखा दिया, पहले मोबाइल पसंद नहीं आया, दूसरा मोबाइल पसंद नहीं आया, सर सैमसंग का दिखाओ ना, ओप्पो का दिखाओ ना, आईफोन दिखाओ ना सर, हर चीज आप मांगोगे। ये क्या आप उससे दिखाने को बोल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग फेल हो जाते हैं, 10% लोग सफल होते हैं, क्योंकि अपना प्लान जो बताते हैं, जैसे ही जाते हैं, सर ये नेटवर्क है आप ज्वाइनिंग कीजिए, पैसे कमाना, नीचे में अपना आदमी जोड़ना, पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे, पैसा मिलेगा सर, बहुत पैसे से ज्वाइनिंग भी कर लेगा, वो दो आदमी जोड़ेगा चुप बैठ जाएगा, उस चीज में फेल हो जाते हैं। आपको जोड़ना नहीं, पूरा फैमिली बनाना है। जब तक पूरा सफल नहीं हो जाते, जब तक आपको नहीं मिल जाते, काम करने वाला नहीं मिल जाते, तब तक आपको मेहनत करना है, सिर्फ जोड़ने का काम नहीं। आपको जब तक अच्छे बंधन नहीं मिल जाते, आपके काम करने वाले नहीं मिल जाते नीचे में, जब तक आपको करना है उस चीज में, लोगों को जोड़ने के लिए सबसे पहला चीज होता है अपना एनी फॉर्म, कंपनी के एनी फॉर्म ले से पहले तैयार हो, उस चीज में उत्साहित करना है कि मैं ये जा रहा हूं तो सबसे पहले 90% लोग मेरे को असफल लोग मिलेंगे, जिसे मेरा बात नहीं सुनेंगे, उल्टा ही मेरे बोलेगा, तो मैं इस बात को निकाल दूंगा, सिर्फ 10% लोग मिलेगा जिससे मैं बात सुनकर अच्छा लगेगा, अगर सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता है तो मैं आपको अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई हम 100 लोगों के पीछे पड़ेंगे, 100 लोग से मिलेंगे, उसके बाद 100 लोग में से नहीं बोल देंगे तो हमारा काम बंद कर देंगे क्या, हार खा देंगे,
मतलब हार मान लेंगे। हम जब तक मेहनत करेंगे, जब तक लोगों से नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपना कामयाब नहीं होते। तो लोगों को मिलने के लिए सबसे पहला चीज होता है कि हम उस चीज में लोगों को मिलने के लिए सबसे पहला चीज या उससे जाते हैं तो और उसके पास पहले सर हेलो सर क्या कर रहे हैं, अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए, मिलो उससे। मिलने पर आप उससे पूछो सर क्या हाल चाल है, क्या आप जॉब अप कर रहे हैं, बताएगा आपको। सवाल ही जवाब है, जब आप सवाल करोगे तो आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद सर मैं आपको एक प्लान बताऊंगा, अच्छे लगे तो मेरे को बताना, नहीं आया समझ तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रखना, आप फिर से आप बात समझ लेना। जब आप इस बात को बताओगे, जब आप बोलोगे सर आप अगर इस चीज में अगर हमारे पास सामान है उस चीज को खरीद लेते हैं तब आप पैसे कमाने के लिए आ सकते हैं, अगर आप उसी सामान को बाहर से खरीदते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सामान के पैसे बल्दा सामान मिलेगा आपको, आप पैसे दोगे आप सामान ले लोगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर यहाँ से ज्वाइनिंग करते हैं, अगर आप यहाँ से सामान खरीदते हैं तो आपको उस चीज के बदले आपको पैसा मिलेगा, पैसे के बदले आपको सामान मिलेगा, सामान के बदले आप उसके बाद आप पैसे कमा सकते हैं चीज में। आप भी मेरे जैसे काम करके उसके बाद पैसे कमा सकते हैं चीज में। आप अपने सामान को बेच बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं, ये आपको प्लान बताना है। आप बोलोगे कि सर मैं यहाँ पर ज्वाइनिंग करने गया, ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद मैं कंपनी किसी को प्लान बताने गया, सर नेटवर्क मार्केटिंग है, आप जोड़ोगे मैं जोड़ूंगा, ये जोड़ोगे आप नीचे में दो लोग जोड़ देंगे। भाई नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग ढूंढना है, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है जिसे आप काम करने वाले मिलना चाहिए आपके, तब आप जाकर सफल हो सकते हैं। जब तक आप अपने ऊपर वाले के नीचे हैं तो आप मेहनत कर रहे हैं उसी तरह आपके नीचे काम करने वाला मिलना चाहिए, तब जाकर आप इस कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। तभी बोल रहा हूं आप अपने आप तैयार कीजिए, अगर आप नेटवर्क में एक बार सफल हो जाते हैं, आप नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, तब आप करोड़पति बन सकते हैं। हमेशा मैं ये बोलूंगा कि पैसे इस चीज में कम नहीं है, बहुत ज्यादा।